हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आर न्यू चैप्टर इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इट मीन्स इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इट मीन्स डेमोक्रेसी के परिणाम क्या क्या रहेंगे। यानी डेमोक्रेसी जहाँ पर भी, जिस भी कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, उसके क्या क्या जो है हमें फ़ायदे और नुकसान जो है वो देखने को मिलते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इट मीन्स डेमोक्रेसी जहाँ पर है वहाँ पर उसका क्या रिजल्ट होता है। अब आउटकम्स का मतलब रिजल्ट, परिणाम, ठीक है। और डेमोक्रेसी आपका अच्छे से पता होगा, सिक्स्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कि गवर्नमेंट दैट इज़ फॉर्म्ड बाय, दैट इज़ क्रिएटेड बाय इट्स ऑन पीपल, दैट इज़ नोन एज डेमोक्रेसी। जहाँ पर एक ऐसा लोकतंत्रीय सरकार, एक ऐसी सरकार जहाँ पर लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, इसमें डायरेक्टली लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं उसको वोट डालकर, तो यही होती है लोकतंत्रीय गवर्नमेंट, जिसको आप डेमोक्रेटिक सरकार कहते हैं। चलिए इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बेटा हम ये इजीली पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम काम कर रहा है। एज वी ऑल नो दैट इंडिया के अंदर जो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है, तो हमें बारीकी से ये पता चलेगा कि इस सिस्टम की वजह से हमें क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, और हम इजीली ये जान पाएंगे कि हम जो फॉलो कर रहे हैं वो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो फॉलो कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमें क्या क्या इसके पॉजिटिव एडवांटेजेस क्या क्या हैं डेमोक्रेसी की, वो सारी चीज़ें सोसाइटी के रिगार्डिंग हैं, या फिर आपके पॉलिटिक्स के अंदर है, इकोनॉमिक्स में है, यानी वहाँ हर पहलू के अंदर उसके क्या फ़ायदे हैं हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है, इसमें आता है हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। यानी कि किस प्रकार से हम आसानी से डेमोक्रेसी के जो परिणाम है वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, क्या उसके रिजल्ट हो सकते हैं, ये हम जानेंगे। उससे पहले एक बार मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी इज़ ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव्स, बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वेलिटी among citizens, improve the quality of decision making, allows room to correct mistakes, enhance the dignity of the individual and provides a method to resolve conflicts. बिल्कुल ब्रीफली मैंने डिटेल में आपको बताया कि डेमोक्रेसी क्या है। यानी एक इस प्रकार की सरकार है, ये ऐसे प्रकार की सरकार है जिसके अंदर, जिसका कंपैरिजन डिक्टेटरशिप, तानाशाही जो गवर्नमेंट होती है, या किसी भी और अन्य प्रकार की, चाहे वो अध्यक्षात्मक सरकार है, या फिर आपकी जो है वो राजशाही सरकार है, या फिर अभिजात वर्ग की सरकार है, कुलीन वर्ग जो शासन है उसके साथ है, तो उनके साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो उन सबसे बेटर फॉर्म डेमोक्रेसी ही है। क्यों है ये बेटर? क्योंकि इट प्रमोट्स इक्वेलिटी अमंग सिटीजन्स, क्योंकि ये सभी नागरिकों के बीच जो हो इक्वेलिटी जो हो उसको प्रमोट करती है, साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है, और अलाउ रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स, साथ ही साथ जो वो अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी इसमें मिलता है, एंड एनहांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यानी कि प्रत्येक व्यक्ति एक डिग्निटी के साथ, एक आत्मसम्मान के साथ डेमोक्रेसी में जो अपना जीवन जीता है, एंड प्रोवाइड्स ए मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, साथ ही साथ इसके अंदर जो बहुत सारे मेथड्स वो भी प्रोवाइड कराए जाते हैं किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको सोल्व करने के लिए। 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टूडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एज दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, होल्ड इलेक्शंस, हैव पार्टीज, गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स। यानी कि आज अगर वर्ल्ड के अंदर आप मोस्टली कंट्रीज की हम बात करेंगे तो उन सब के अंदर जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम ही फॉलो किया जाता है।
और हाँ ये हो सकता है कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो वो फॉर्म अलग हो सकती है, कुछ फीचर्स उसके अलग मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया के अंदर जो फीचर्स अपनाए जाते हैं वो सारे एजिटीज जो वो अदर कंट्रीज भी उसको फॉलो करें। हाँ वहाँ पर अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उनका इलेक्शन भी करवाए जाते हैं, वहाँ की पार्टीज़ भी होती हैं, राइट्स भी दिए जाते हैं, लेकिन कुछ बातों में डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। डेमोक्रेसी इज जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करती है डेमोक्रेसी जिसमें किसी भी शर्त के ऊपर आप कुछ भी जो हो वो प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल जो अपनी डिग्निटी के साथ जो वो हासिल करना चाहता है वो आसानी से कर सकता है। द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दीज गोल्स। और जो सिटीजन्स होते हैं यानी कि जो नागरिक हैं उनको वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं उन कंडीशंस का, यानी जो डेमोक्रेसी के अंदर उनको जो जो एडवांटेजेस मिली हुई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उन सब का फ़ायदा उठाते हुए वो ईजिली अपने अचीव को अपने गोल को जो वो अचीव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने गोल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल डेमोक्रेसी जो है वो उस तक कैसे, उसका परिणाम कैसा होगा, तो उसका परिणाम ओवरऑल जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में बेस्ट ही है। क्यों बेस्ट है ये पूछ लिया जाए कि हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल, बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, इट एनहांसिस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड इट प्रोवाइड्स ए मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हम डेमोक्रेसी के फीचर का भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो आप उसमें भी लिख सकते हैं ये। और यही आपको यही क्वेश्चन जो है सेम ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो वहाँ पर आपका ये क्वेश्चन जो वो बन जाएगा। तो इसके अंदर हमने ये देखा इस टॉपिक में कि हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, कि किस प्रकार से जो डेमोक्रेसी है उसके आउटकम तक हम, उसका क्या परिणाम है उस तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, वो कैसे जो है अदर टाइप ऑफ जो गवर्नमेंट है उससे बेटर मानी जाती है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से वो अदर टाइप ऑफ जो गवर्नमेंट है उनसे बेटर है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आर नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल एक जिम्मेदार सरकार, रिस्पॉन्सिबल ठीक है ये भी वहीं पर इसका मीनिंग भी कुछ कुछ वैसा ही है कि जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि अगर मान लीजिए कल को इससे कोई गलती हुई है कोई कानून बनाने में तो इसकी जिम्मेदारी होगी उसकी जवाबदेही देना, तो जवाबदेही देना, जिम्मेदार होना। एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट एक्सेप्टेबल बाय ऑल, यानी कि हर कोई जो है इसको एक्सेप्ट करे, उस प्रकार की सरकार है ये। इट मीन्स इस टॉपिक के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी को एक बेटर गवर्नमेंट माना जाता है, किस प्रकार से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, और अकाउंटेबल कैसे है। अकाउंटेबल जवाबदेही, ठीक है, कल को कुछ भी गलत हो जाए तो कैसे जवाब देना पड़ता है इस प्रकार की जो गवर्नमेंट होती है उसको, तो ये सारा हम डिटेल में जानेंगे। इन डेमोक्रेसी पीपल हैव राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड विल हैव कंट्रोल ओवर देम, ठीक है, बिल्कुल हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो पीपल होते हैं उनको ये राइट होता है कि वो अपने रूलर्स को चूज करते हैं एंड विल हैव कंट्रोल ओवर देम, और साथ ही साथ वो उनके ऊपर कंट्रोल भी करेंगे इनडायरेक्टली। एंड डेमोक्रेसी प्रोड्यूस ए गवर्नमेंट विच इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स एंड रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स। कहता है जो डेमोक्रेसी है वो गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होती है इसके सिटीजन्स के प्रति, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल भी होती है जो नीड्स होती हैं सिटीजन्स की, जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो सिटीजन्स ने लगा रखी हैं उस गवर्नमेंट से, तो उनको पूरा करने के लिए, उनकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरने के लिए जो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो वो बेस्ट माना जाता है। और वाकई ही अकाउंटेबल भी होती है, यानी कि इसकी जवाबदेही बनती है। अगर मान लीजिए सिटीजन्स हैं उनकी नीड्स और उनके एक्सपेक्टेशंस को ये पूरा नहीं कर पाई तो इसको जवाब देना पड़ता है कि आखिरकार ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ डेलिब्रेशंस एंड नेगोशिएशंस। डेमोक्रेसी जो है वो
आधारित है किसके आइडिया पर? द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन से। डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन का मतलब होता है आपसी विचार विमर्श डिस्कशन के ऊपर। सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस। तो ऐसे में कुछ यानी कि जब डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं तो एक लंबे डिस्कशन के बाद लिए जाते हैं। आपको पता होगा लॉ मेकिंग जो हमारा प्रोसेस होता है पार्लियामेंट के अंदर, उसको होने में एक लंबा समय लग जाता है। उस लॉ को बनने में वो बिल होता है, बिल को जो वो पहले पास कराया जाता है, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है, लोकसभा में होता है, राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो इस प्रकार से एक्ट बनते बनते उसको एक लंबा समय लग जाता है। तो ऐसे में डिले तो होनी पॉसिबल है डेमोक्रेसी में, लेकिन उसके साथ साथ इसकी एडवांटेज आप ये कह सकते हैं कि उससे पहले उसके जितने भी एडवांटेजेस हैं किसी भी कानून के, उसके ऊपर जो है पूरा वार्तालाप विचार विमर्श होता है, उसके बाद उसके पहले से ही जो भी मिसयूज होते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं जो भी डीमेरिट्स होती हैं उसकी, वो पहले से ही डिस्कस कर ली जाती हैं, उसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम होंगी उनको सोल्व कर लिया जाता है, उसके बाद जो है उनको पब्लिक के सामने जो वो पेश किया जाता है, ताकि जो भी इश्यूज आए, क्योंकि उसको डिस्कस किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा तो वहाँ ओपोजिशन और रोलिंग दोनों होंगी, दोनों जो पार्टियाँ होंगी ओपोजिशन और रोलिंग, तो ऑब्वियसली ओपोजिशन उसके नेगेटिव पॉइंट्स जो वो निकाल के लाएंगी और इस प्रकार से जो जायज पॉइंट्स होते हैं उनको हटा के जो वो उनमें अमेंडमेंट कर दी जाती है। इसीलिए तो डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में, तो ये सब जो वो चलता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हमारा आता है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑलवेज टेक्स मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट ए डिसीजन। बिल्कुल सही है जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो हमेशा ज्यादा टाइम लेती है टू फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट डिसीजन। डिसीजन तक पहुंचने में इसको ज्यादा समय लगता है। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज वर्थ इट। सो भले ही टाइम जो है वो ज्यादा लगे, लेकिन जो डिसीजंस इसके अंदर लिए जाते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, या मैं कहूँ कि सबके हित में होते हैं। A citizen has the right and means to examine the process of decision making. It is known as transparency. Democratic जो government होती है उसको transparent government भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो citizen होते हैं यानी कि यहाँ के नागरिकों को right दिया गया है, वो पूरी तरह से decision making का जो भी process होता है उसको examine कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको supervise कर सकते हैं कि जो सरकार निर्णय ले रही है वो सही है या गलत है। वो इसको easily इसको समझेंगे, उसके बाद opposition क्या कह रही है, ruling क्या कह रही है, उसके ऊपर किस minister ने क्या बयान दिया है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हो वो citizens के सामने होती हैं और वो easily वो खुद ही एग्जामिन करते हैं कि उनके उनके राइट के अकॉर्डिंग है ये लॉ या नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो वो एग्जामिन करने का भी मौका देती है सिटीजंस को जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्स मैकेनिज्म फॉर सिटीजंस टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, सो इट इज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डेमोक्रेटिक के फीचर में कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो डेवलप करती है एक मैकेनिज्म, एक तंत्र कैसा, फॉर सिटीजंस टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, सिटीजंस के लिए कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। सो इट इज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट है, मींस पीपल ऑन गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये लोगों की खुद की सरकार है। खुद की सरकार मींस लोगों ने खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को इसके अंदर चुना हुआ होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा खुद चुनी हुई सरकारें होती है और इसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट माना जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी किस प्रकार से काउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है और साथ ही साथ वो सिटीजन्स के एक्सपेक्टेशन के ऊपर कैसे काम करती है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, what is the meaning of economic growth and development? economic development depends on several factors, यानी कि जो आर्थिक विकास रहेगा वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि किस किस के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज पॉपुलेशन, उस देश की जनसंख्या कैसी है, ग्लोबल सिचुएशन, वैश्विक
परिस्थितियां कैसी हैं, कोऑपरेशंस फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से हमें कितना सहयोग मिल रहा है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय दी कंट्री, किसी भी देश के द्वारा कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज जो हैं उनको एक्सेप्ट किया गया है, यानी कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किस देश ने क्या जो है वो पॉलिसीज जो वो फॉलो की हैं। द डिफरेंसेज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज इज नेग्लिजिबल। इट मीन्स द डिफरेंसेज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो डिफरेंसेज देखने को मिलते हैं हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, वो ज़्यादातर या तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर होते हैं जिन जहाँ पर, और वो कहाँ पर होंगे, जहाँ पर डिक्टेटरशिप होती है एंड डेमोक्रेसी इज नेग्लिजिबल, वहाँ पर डेमोक्रेसी नाम मात्र भी देखने को नहीं मिलती, यानी कि जहाँ पर डेवलपमेंट कम है जिन कंट्रीज के अंदर, या तो वहाँ पर डिक्टेटरशिप फॉलो की जा रही है या मोनार्कियल सिस्टम है, वहाँ पर डेमोक्रेसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि डिक्टेटरशिप होगी तो वहाँ का जो राजा होगा वो अपनी मनमानी से काम करेगा, तानाशाह होगा, निरंकुश होगा, ठीक है, तो वो पूरी तरह जो वो वेलबिंग के लिए भी काम नहीं करेगा, उनकी इकोनॉमी से उसको कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जहाँ पर आपकी जो भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर आपको डेमोक्रेटिक फॉर्म तो एटलीस्ट बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज ए गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम ये नहीं कह रहे कि डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से गारंटी है। इट मीन्स भी मान लीजिए कहीं पर डेमोक्रेसी है और वहाँ पर वो कंट्री जो वो बिल्कुल डेवलप्ड होगी, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि कुछ एक्सेप्शन केस वहाँ पर भी हैं। अब जैसे कि डिक्टेटरशिप की मैंने बात की, तो ज़रूरी नहीं है सारी की सारी कंट्रीज जहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रही है वहाँ पर बिल्कुल ही डेवलपमेंट ना हो, ऐसा भी नहीं है। तो एक्सेप्शन जो है वो हर जगह हैं। व्हेन वी फाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन डिक्टेटोरियल एंड डेमोक्रेटिक कंट्रीज, इट इज़ बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एज इट हैज सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स। कहता है कि जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं राजशाही और डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच, तो इट इज़ बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी, तो वहाँ पर हमेशा प्रेफर किया जाता है डेमोक्रेसी को, एज इट हैज़ सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स। क्यों डेमोक्रेसी को ही क्यों प्रेफर किया जाता है? वो इसलिए क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम्स जो हों देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव आउटकम्स का मतलब यानी कि डेमोक्रेसी के जो हमने फीचर्स अभी पढ़े थे इतने सारे, कि रिस्पॉन्सिबल है, जो है अकाउंटेबल है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो वो हमने पढ़े और उसमें हमने देखा कि ये सारे पॉइंट्स हमें कहीं भी दूसरे प्रकार की डेमोक्रेटिक सिस्टम को छोड़ के दूसरी टाइप ऑफ जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगी डेमोक्रेसी के अंदर ही कंपेरिजन टू अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अब भला डेमोक्रेसी का क्या रोल होता है इनइक्वालिटी असमानता पॉवर्टी गरीबी और असमानता को दूर करने में डेमोक्रेसी ने अपना कितना रोल अदा किया है ये हम जानेंगे। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वेलिटी। कहता है कि डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वेलिटी के ऊपर बेस्ड होती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। हम सबको पता है कि जो डेमोक्रेटी है डेमोक्रेटिक सिस्टम जहाँ होता है वहाँ पर डेमोक्रेसी का ये फीचर होता है कि यहाँ पर सभी जितने भी जो कैंडिडेट हैं सिटीजन्स हैं अबोव 18 ईयर्स उन सबको राइट दिया गया है राइट टू वोट का। तो एक प्रकार से सभी क्या हो गया इक्वल वेटेज हो गई सबकी, यानी कि सबको जो हो वो इक्वल वेटेज मतलब एक सिटीजन कोई भी एक व्यक्ति है ठीक है एक व्यक्ति वोट डाल रहा है तो उसके वोट की कीमत भी एक ही होगी। वहीं पर अगर प्रेजिडेंट वोट डाल रहा है पीएम वोट डाल रहा है गवर्नर वोट डाल रहा है तो उसके वोट की कीमत भी एक ही होगी। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो वो पॉलिटिकल इक्वेलिटी पाई जाती है। और अभी हम पढ़ रहे हैं कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वेलिटी एंड पॉवर्टी यानी असमानता और गरीबी को दूर करने में डेमोक्रेसी का कितना रोल है। वही पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी जो वो पॉलिटिकल इक्वेलिटी के ऊपर बेस्ड होती है। क्यों? क्योंकि ये सभी को जो वो इक्वल वेटेज देती है अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बट देयर आर ग्रोइंग इकोनॉमिक इनक्वालिटीज बिकॉज दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटल टू डिपेंड अपॉन एंड देयर इनकम्स आर डिक्लाइनिंग. कहता है कि बट देयर आर ग्रोइंग इकोनॉमिक इनक्वालिटीज, कहता है कि इकोनॉमी के अंदर जो है वो कुछ उभरती हुई असमानताएं देखने को मिलती हैं सोसाइटी के अंदर, जो निचला तबका है वहां पर थोड़ा सा आपको इनइक्वालिटी जो वो मिलेगी देखने को. क्यों? क्योंकि देयर इनकम्स आर डिक्लाइनिंग. कहीं ना कहीं शायद उनकी जो है वो जो लोअर सोसाइटी हमारी उनका जो इनकम स्ट्रक्चर है वो कम है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है. समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. और कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है जहां हम बेसिक नीड्स की बात करते हैं, लाइफ की बात करते हैं, सच एज फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, हाउस हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, वो भी कहीं ना कहीं हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं. यानी कि ऐसा हो सकता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो आपको देखने को मिल सकती है. बॉटम एरिया की अगर हम बात करेंगे तो सोसाइटी का जो बॉटम एक वर्ग, बॉटम जो वर्ग है, बॉटम ऑफ द सोसाइटी है, वहाँ पर थोड़ा सा जो हमें ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर इनइक्वालिटी है, उनकी इनकम जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है. नेक्स्ट वन इज द पुअर कॉन्स्टिट्यूट ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वोटर्स एंड नो पार्टी लाइक्स टू लूज देयर वोट्स. इसके अंदर जो गरीब लोग होते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, जो गरीब लोग होते हैं वो एक बड़ा हिस्सा है हमारे यहाँ पॉपुलेशन का, लेकिन उसके बावजूद कोई भी पार्टी ऐसा नहीं चाहेगी, नो पार्टी likes to lose their votes, कि वो अपने वोट कहीं भी किसी भी प्रकार से उनसे हारे. इट मीन्स सभी जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब ये चाहते हैं कि जो गरीब तबका है उनसे उनको वोट जो वो ज्यादा से ज्यादा मिले. Yet they do not appear keen to address the question of poverty. यानी कि वोट तो सबको चाहिए कि गरीब तबका जो है वो सभी पार्टीज को वोट करे, लेकिन जो गरीबी है उसको रिमूव करने के लिए किसी भी लेवल के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बड़े लेवल के ऊपर काम नहीं कर पा रही हैं. वो शो तो करती हैं कि हम गरीबी को दूर करने के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वो प्रोग्राम स्टार्ट किया, लेकिन बड़े लेवल के ऊपर आप देखेंगे कि आज भी एक बड़ा तबका इंडिया के अंदर जो वो गरीबी का जीवन जी रहा है. अभी जब पेंडेमिक चल रहा है तो इसमें आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे. अभी आपने देखा भी होगा कि हमारे इंडिया के अंदर कितने बड़े लेवल के ऊपर जो आपका लेबर है वो दाएं से बाएं जा रहे हैं, माइग्रेट होके वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को गए हुए हैं. लोग जो वापस अपने घरों को जाने के लिए तरस रहे हैं. गवर्नमेंट हालांकि खाना तो दे रही है, लेकिन क्या वो सभी को मिल पा रहा है? ये भी एक सोचने वाली बात है. वाकई ही गरीब पिस रहा है, आज भी गरीबी की मार उसको झेलनी पड़ रही है. इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. और अगर हम एक्चुअल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर हमारी जो लोकतंत्रीय सरकार है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए. मतलब कुछ स्टेप्स तो उठाए गए हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है उसको रिड्यूस किया जा सके, लेकिन फिर भी पूरी तरह से उसको ख़त्म नहीं किया गया है. आज भी एक बड़ा वर्ग जो है वो गरीबी का जीवन जी रहा है. पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज इवन फॉर देयर फूड सप्लाईज. इवन जो लोग हैं ज़्यादातर पुअर कंट्रीज जो हैं वो आज भी कहीं ना कहीं रिच कंट्रीज के ऊपर डिपेंड कर रही हैं अपनी फूड सप्लाई के लिए. ये वही बात हो गई जैसे कि गरीब वो डिपेंड करता है अमीर के ऊपर, ठीक है, अमीर व्यक्ति के ऊपर, ठीक वैसे ही जो गरीब देश हैं कहीं ना कहीं वो आज भी जो है अमीर कंट्रीज जो हैं, रिच कंट्रीज जो हैं, उनके ऊपर फूड सप्लाईज के लिए उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. यानी कि वहाँ से बड़े लेवल के ऊपर जो वो इम्पोर्ट कराया जा रहा है फूड सप्लाई का जो भी मटीरियल है वो. तो आई होप आपको ये भी जो वो पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी के अंदर डेमोक्रेसी कैसे अपना रोल प्ले कर रही है. कुछ हद तक माना कि कुछ हद तक जो है डेमोक्रेसी ने पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश की है, लेकिन पूरी तरह से हम अब भी नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी ने जो वो पूरी तरह से पॉवर्टी को या इनइक्वालिटी को सोसाइटी से जो रिड्यूस किया है. हाँ, कुछ इकोनॉमिक जो लेवल के अंदर हम देखें तो कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन इस
इसको गरीबी को पूरी तरह से आज भी खत्म नहीं किया गया है। तो ये था हमारा टॉपिक। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी में आप पढ़ेंगे कि सामाजिक जो विभिन्नता है वहां पर कितना जो है वो आवासीय, अकोमोडेशन का मतलब होता है आवास या आप हैबिटेशन भी बोल सकते हैं, तो समाज के अंदर जो सामाजिक विभिन्नता आपको देखने को मिलती है वो किस प्रकार से अलग अलग है। सो अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इसमें इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। नो सोसाइटी कैन फुली और परमानेंटली रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, बट वी कैन लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस एंड एवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट दी डिफरेंसेस। कहता है कि कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहाँ पर परमानेंटली कोई भी पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट ना हो या वो पूरी तरह से सॉल्व कर लिए गए हों, यानी कि किसी भी सोसाइटी के अंदर किसी ना किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट जो वो चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप देखोगे कि सोसाइटी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में जितने भी डिफरेंसेज हैं उन डिफरेंसेज के ऊपर, यानी कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर कोई भी इशू है तो उसके ऊपर जो वो विचार विमर्श जरूर किया जाना चाहिए, और ये डेमोक्रेसी के अंदर ही पॉसिबल है। इन डेमोक्रेसी द मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट्स फंक्शन टू रिप्रेजेंट दी जनरल व्यूज। डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम देखें तो मेजोरिटी जो भी होती है वो हमेशा नीड टू वर्क विद माइनॉरिटी, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मेजोरिटी हमेशा माइनॉरिटी के साथ काम करे। इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट होगी वो फंक्शन करेगी टू रिप्रेजेंट दी जनरल व्यूज। तो ऐसे में गवर्नमेंट जो जनरल व्यूज आ रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर पाएगी। इट मीन्स प्रजातंत्रीय जो सरकार होती है वहाँ पर मेजोरिटी माइनॉरिटी के साथ काम करती है। तो ऐसे में जो एक जनरल व्यू उभर कर सामने आता है माइनर की तरफ से भी और मेजोरिटी की तरफ से, तो उसके ऊपर एक जनरल व्यू भी बन पाता है कि वाकई ही ये जो है वो समस्या हो सकती है या फिर ये समस्या तो इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। मेजोरिटी और माइनर ओपिनियन जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो परमानेंट हो, वो टेम्परेरी भी हो सकते हैं। सो डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज ए चांस टू रूल एज मेजोरिटी। तो ऐसे में डेमोक्रेसी हमेशा डेमोक्रेटिक सिस्टम ही फॉलो करती है, ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज ए चांस टू रूल एज मेजोरिटी। और ऐसे में जो प्रत्येक नागरिक रहता है डेमोक्रेसी के अंदर वो उसके पास चांस है एज ए चांस टू रूल एज मेजोरिटी, एज ए मेजोरिटी भी वो काम कर सकता है। यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जो के पास जो है ये राइट है कि वो अपना काम करे, भले ही वो माइनर ग्रुप से हो भले ही वो मेजोरिटी ग्रुप से हो, वो अपना काम जो वो ऑनेस्टली कर सकता है। हर किसी को जो आगे बढ़ने का जो वो मौका मिलता है। मेजोरिटी और माइनॉरिटी जब मिलके काम करते हैं तो उससे एक जनरल ओपिनियन जो वो सामने आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन्स। कैसे सोसाइटी के अंदर डिग्निटी और फ्रीडम जो हो वो सिटीजन्स के लिए मेंटेन रहती है। डेमोक्रेसी इज एट द टॉप इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स। डेमोक्रेसी जो हो वो डिग्निटी और फ्रीडम को जो है प्रमोट करने में वो टॉप पर है। यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रीडम और डिग्निटी को मेंटेन डेमोक्रेसी में रखा जाता है उतना शायद किसी ही प्रकार की अलग टाइप ऑफ जो गवर्नमेंट है अनदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर रखा जाता हो। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बींग्स। हर इंडिविजुअल वो चाहता है टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बींग्स कि उसको उसके साथियों से जो हो वो रिस्पेक्ट मिले। बट ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। लेकिन आप देखते होंगे कॉन्फ्लिक्ट्स फिर भी जो हो वो अराइज हो जाते हैं। जैसे कि आपकी क्लास में है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो बच्चे हैं आपके साथ पढ़ रहे हैं, किसी ना किसी बात को लेकर जो आपका उसके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाए किसी भी बात को लेकर, ठीक वैसे ही इंडिविजुअल के पास राइट्स हैं लेकिन शायद किसी ना किसी बात को लेकर जो वो एक दूसरे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स जो वो हो सकते हैं। इन केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वीमेन
वुमेन, अगर वुमेन की डिग्निटी के केस में हम बात करें तो मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड वर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो हमारे ज़्यादातर जो सोसाइटी थी वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें अक्रॉस द वर्ल्ड वर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, मतलब पुरुष प्रधान जिसको समाज कहते हैं वो उस पर आधारित रही हैं। लॉन्ग स्ट्रगल बाय वीमेन, इसको लेकर हमारी औरतों ने एक लंबा स्ट्रगल जो वो किया, जिसकी वजह से वो आज डिग्निटीफुल लाइफ जो है वो सोसाइटी के अंदर एक रिस्पेक्ट के साथ जो है वो जी पा रही हैं। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो है वो राइट वो डिग्निटी उनको नहीं मिली हुई थी। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन द क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसने दावा, जो आपका शेड्यूल्ड जो पर्संस हैं, आप जिनको लोअर कास्ट पर्सन कहते हैं, उनको भी जो एक स्ट्रेंथ प्रदान की है, स्ट्रेंथ दिया है। कैसे? क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर एवरीवन हैज इक्वल राइट्स, इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी इन लोगों को देकर, जितने भी डिसएडवांटेजेस पर्सन हैं या डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट हैं हमारे यहाँ पर, उन सबको इक्वल राइट्स और इक्वल स्टेटस दिया गया है, अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं, जिसकी वजह से उनको भी जो है वो अपने राइट्स मिले हैं और एक डिग्निटीफुल जो है लाइफ अपनी जी पा रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी आल्सो फंक्शंस एज क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं हमारी डेमोक्रेसी से वो फंक्शन करती हैं किस प्रकार से, यानी कि उसके अंदर उनका भी एक क्राइटेरिया होता है फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, कि वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को किस प्रकार से जज करते हैं। एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, और लोग किस प्रकार से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। दे आस्क फॉर मोर एंड वॉन्ट टू मेक डेमोक्रेसी बेटर, ऐसे में उनके पास जो है वो मौका होता है, चांस होता है कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के क्या रिजल्ट रहेंगे, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, एंड वी डिस्कस्ड ऑल्सो हाउ डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, हाउ इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। We also discussed about what is the role of democracy to reduce the inequality and poverty from the society. And last, we also discussed about accommodation of social diversity. It means democracy ne social diversity ko कैसे इस्टेब्लिश करने में, उसको ख़त्म करने में किन किन पहलुओं के ऊपर जो वो काम किया है, ये सारा का सारा इस चैप्टर में हमने समझा। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनेंगे वो एक तो यही होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये हमने डिस्कस किया और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।